जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डी एन टेक गीक्स में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। हमारी नई वीडियो का टॉपिक है अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है कि कुछ हमें एक सेल्फी स्टिक परचेज़ करनी थी और हमारे पास ट्राईपॉड भी नहीं था, तो हम सोच रहे थे कि हमारे को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो सेल्फी स्टिक का भी काम कर दे और हमारा हमारा ट्राईपॉड का भी काम कर ले। तो हमने कुछ इस तरीके का ही प्रोडक्ट सर्च किया है जो कि हम अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाले हैं। होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे और आप भी इसको परचेज़ करने की सोच रहे हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों हमने ये प्रोडक्ट दो दिन पहले ही परचेज़ किया है, दो दिन पहले हमारे पास डिलीवर हो गया था, लेकिन मेरे को ये प्रोडक्ट आपको दिखाना था तो मैंने इसको ओपन नहीं किया। तो चलो आज मैं फिर इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। मैंने भी अभी तक ओपन करके नहीं देखा तो मुझे भी नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन मैंने इसके फीचर पढ़े थे तो मैं वो आपको बताता रहूँगा वीडियो में। चलिए देखते हैं फिर इसको मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी तरीके से हो रखी है, बबल रैप भी इसके अंदर हो रखा है, मतलब सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि प्रोडक्ट टूटे उठे ना। ये देखिए दोस्तों मैंने ये निकाल लिया है। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है और इसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। बबल रैप के साथ अच्छी तरीके से पैक हो गया। देखिए दोस्तों ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है, इस पर लिखा है सेल्फी स्टिक R1S। तो देखिए दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन इस प्रोडक्ट की लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट साइज़ 185x4x45x38mm का, ये लॉन्गेस्ट साइज़ 70 सेंटीमीटर तक हो सकता है और मोबाइल फ़ोन क्लैंप इसका 58-92mm है और फोटो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ले सकते हैं। इसके अंदर 70mAh की बैटरी है। तो मैं दोस्तों इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर बाकी चीज़ें हम इसको ऑन करके फिर देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों ये बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमारा एक ये सेल्फी स्टिक प्रोडक्ट निकलता है, एक इसके अंदर ये USB मिनी पोर्ट वाली केबल है जो आप देख सकते हैं और इसके अंदर एक ये मैनुअल है। तो मैनुअल ये चाइनीज़ में है और इंग्लिश में, दोनों में है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। ये देखिए तो इसको रख देते हैं इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे आप अपने फ़ोन को लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको ये लैंप मिल जाता है, लाइट। इस पर आपको दो मोड मिल जाते हैं, एक देखिए ऑन हो गया, फिर आप उसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे थोड़ा हाई हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों एक फ़ीचर इसका ये है कि इसके साथ लैंप मिल जाता है और यहाँ पे आपको मोबाइल लगाने के लिए होल्डर मिल जाता है और ये आपका सेल्फ़ी स्टिक और ट्राईपॉड दोनों का काम कर देगा। देखो ये सेल्फ़ी स्टिक हो गया, ये ट्राईपॉड हो गया, तो ये ट्राईपॉड का भी काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ये ट्राईपॉड है और अगर आप इसको एज ए सेल्फ़ी स्टिक यूज़ करना चाहते हैं तो ये बंद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने ट्राईपॉड आपको उसको करके दिखा दिया कि ट्राईपॉड कैसे होगा। अभी आप इसको एज ए सेल्फ़ी स्टिक यूज़ करना चाहते हैं तो ये सेल्फ़ी स्टिक भी एज ए सेल्फी स्टिक ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, 70mm तक ये 70 सेंटीमीटर तक ये एक्सटेंड कर सकते हो आप इसको और यहाँ पे आप अपना फ़ोन लगा सकते हो। और देखिए अब मैं इसको अपने फ़ोन के साथ पेयर करके दिखाऊंगा, फिर एक दो पिक्चर क्लिक करके वो वीडियो में आपको डाल दूंगा ताकि आप क्वालिटी देख सकें कि क्वालिटी कैसे आ रही है। तो देखिए दोस्तों ये बंद हो गया, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन पेयर करूँगा पहले इसके साथ। तो देखिए दोस्तों इसको मैं सेल्फ़ी स्टिक को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखूँगा। ये देखिए 3 सेकंड तक जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक होने लग गई। तो अब मैं इसको अपने फ़ोन के साथ पेयर करूँगा तो यहाँ पे ब्लूटूथ पे चला जाऊँगा। ब्लूटूथ पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखिए सेल्फ़ी दिखाई दे रहा है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा पेयर करने के लिए, तो आप इसको पेयर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये पेयर हो गया है, ये सेल्फ़ी स्टिक के साथ पेयर हो गया है। तो अब मैं ये जो अपना फ़ोन है वो सेल्फ़ी स्टिक पे
माउंट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको अपनी सेल्फी स्टिक पे माउंट कर देता हूँ फ़ोन को, और ये जो रिमोट है आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका रिमोट है और ये अपने हाथ में आप रख सकते हैं और यहीं से सेल्फी स्टिक क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक दो पिक्चर क्लिक करके देख लेता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये माउंट है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये फोल्डेबल एडजस्टेबल है, इसके माउंट को आप 170 डिग्री तक कर सकते हैं और जो फोल्डर है 360 डिग्री तक आप रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको ऐसे कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ और सेल्फी स्टिक को ऊपर ले जाके, ठीक है, रिमोट मैंने अपने हाथ में, ये मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट तो मेरे को ये सही लगा कि मतलब जो प्रॉपर इसकी फंक्शनिंग है, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर मैंने पिक्चर ले रहा हूँ तो पिक्चर भी क्लिक हो रही है, और अगर वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो भी आपकी बन रही है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मेरे को इसकी जो बिल्ड क्वालिटी लगी वो थोड़ी अप टू द मार्क नहीं लगी, और इस पर मैं कहीं पर भी देखूँ तो किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं है। ये भी मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा इसका, कि मतलब अगर मैंने ये 1000 रुपीज़ की परचेज़ करी है तो इसके अंदर कोई किसी कंपनी का लोगो या कुछ तो होना चाहिए था, कि जिससे मुझे पता चले कि इस कंपनी का क्या रिव्यू है। जिस साइट से मैंने परचेज़ करी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। प्रोडक्ट एकदम फंक्शनिंग है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी थोड़ी मेरे को अप टू द मार्क नहीं लगी। परचेज़ करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को तो परचेज़ कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो दोस्तों, वीडियो कुछ इस तरीके से थी, और ये आज बस हम अनबॉक्सिंग की ही वीडियो आपके ऊपर इसके ऊपर बनाने वाले थे, जो कि हमने बनाई आपके लिए। और ये कोई अनबॉक्सिंग का कोई स्पेशल ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये है कि कुछ मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया अपने शूटिंग से रिलेटेड, तो फिर मेरे को शेयर करना आपके साथ बनता था, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, वीडियो बस इतनी ही थी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को स्प्रेड कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।